लेकिन अब यहां जयपुर पुलिस के लिए दो बड़े सवाल हैं जो खाकी को परेशान कर रहे हैं। राजधानी के करनी विहार इलाके की एक ये वो तस्वीर है जिसने आज इलाके के लोगों को सकते में डाल दिया। वक्त सुबह करीब 9 बजे का था जब पुलिस को हीरापुरा चौराहे पर सड़क किनारे एक युवक के शव पड़े होने की खबर मिली। सूचना ये थी कि एक युवक की हत्या कर दी गई है और उसके शव को सड़क पर डाला गया है। सूचना के बाद इलाके की पुलिस भी आनन-फानन में मौके पर पहुंची और मामले की गंभीरता को देखते हुए एफएसएल टीम को भी मौके पर बुलवा लिया गया। सामने आया है कि अजमेर दिल्ली हाईवे पर इस युवक की पत्थरों से कुचलकर हत्या कर दी गई थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव की जांच की और आसपास के इलाके को भी खंगाला, लेकिन कातिल का निशाना बने इस युवक की शिनाख्त नहीं हो सकी। वहीं मौके पर सामने आए कई जगह खून के धब्बों की भी पुलिस ने जांच कराई है। ये सूचना मिली आज ही मरा हुआ पड़ा है हीरापुरा शमशान घाट के सामने, तो हमने आगे चेक किया, इसके जो है चोटें हैं सर पे और मर्डर का मामला है। हालांकि पुलिस ने शव तो बरामद कर लिया है लेकिन फिलहाल ना तो मरने वाले युवक की शिनाख्त हो पाई है और ना ही उस कातिल का पता चल पाया है जिसने कत्ल की इस वारदात को अंजाम दिया है। हालांकि शव की हालत से माना जा रहा है कि वारदात को देर रात अंजाम दिया गया है। वहीं मामले से लग रहा है कि जैसे पहले शराब पार्टी की गई हो और फिर किसी बात को लेकर झगड़े के बाद जुर्म को अंजाम दे दिया गया हो। लेकिन पूरा मामला उसी वक्त साफ होगा जब पुलिस अपनी जांच पूरी कर लेगी। शिनाख्त हुई नहीं, अभी कर रहे हैं शिनाख्त के प्रयास। पत्थर पड़ा है और पत्थर से सिर कुचला गया है। जयपुर में हुई इस वारदात के बाद हालांकि एक टीम को इस वारदात का राज जानने में लगाया गया है, लेकिन पुलिस का पहला टारगेट होगा शव की शिनाख्त का, जिसके बाद पुलिस का मानना है कि वो कातिलों तक भी पहुंच जाएगी। फर्स्ट इंडिया के लिए जयपुर से अभिमन्यु सिंह की रिपोर्ट।